कि मैं देख सकती हूँ यहाँ हर एक कैंपस में चारों तरफ मुझे बच्चों के सिर्फ भीड़ और इंजॉयिंग करते हुए स्माइलिंग फेस दिखाई दे रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज इतनी भीड़ स्कूल में किस वजह से है और बच्चे किस चीज़ को इतना इंजॉय कर रहे हैं। लेट्स कम। ओ ओ ओ देन वी कैन इमेजिन हियर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर मीन्स सेलिब्रेटिंग क्रिसमस डे हियर। ओके लेट्स कम एंड सी द डेकोरेशन इज हियर एंड आप देख सकते हैं कि टीचर्स ने यहाँ पर कितना अपना एफर्ट लगाया होगा और यहाँ पर क्रिसमस डे सेलिब्रेशन हो रहा है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों ओर फूड स्टॉल्स भी लगी हुई है जिनको हर एक बच्चा हर एक टीचर इंजॉय कर रहा है। जस्सी विल गो ईच एंड एवरी स्टॉल एंड वी विल रिकॉग्नाइज वी विल सी दैट व्हाट दे आर सेलिंग हियर विद देयर स्टूडेंट्स। यस मैम व्हाट आर यू सेलिंग हियर? मुझे लगता है कि आपकी तो स्टॉल पेस्ट्रीज हियर मैम। यस मैम इट्स ओवर। यस मैम हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। मींस पेस्ट्रीज ओवर। इतनी टेस्टी पेस्ट्री बनाई थी मैम आपने कि ओवर एंड ओवर। यस मैम। ओके मैम मैरी क्रिसमस मैम। थैंक यू मैम। ओके लेट्स कम। हेलो हाय मैरी क्रिसमस टू ऑल। मैरी क्रिसमस मैम। मैरी क्रिसमस मैम। ओके मैम व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग हियर? Sprouts. Sprouts. You are preparing here, ma'am. About sprouts. Sprouts is very healthy for our body. Yes, ma'am. It means your stall is running. Okay. There we were on that shop. And stock out of popcorn. Okay, ma'am. Very good, ma'am. Okay. Bye, ma'am. Merry Christmas to all. Merry Christmas. Happy Christmas, ma'am. Hi, ma'am. आपका ma'am. आपके भी stall over. Okay, ma'am. And here, ma'am. Finished. Yes. Okay. I think it is last. You yes. can enjoy it on your cheeks. Merry Christmas. हमारे सांता क्लॉज क्या बना रहे हैं यहाँ पे? छोले चाट। What ma'am? छोले चाट। छोले चाट। Can we taste ma'am? Yes, yes, of course ma'am. Okay ma'am. Okay. We'll taste and we'll see that how delicious it is. Very spicy and you can say very delicious. How are you enjoying this one? Yes ma'am, we are very enjoying. Are you enjoying well? Yes ma'am. Good ma'am. Dahi puri it is. Very nice. Very nice. Thank you ma'am. यहाँ वाला कैंपस भी आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट से पूरा का पूरा भरा हुआ है और सारे के सारे स्माइली फेसेस जो हैं स्टॉल्स को एंजॉय कर रहे हैं, क्रिसमस को एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस डे का अपना ही एक अलग मजा है। जब भी मतलब क्रिसमस का नेम आता है पता चलता है कि 10 डेज पहले की क्रिसमस सेलिब्रेशन स्कूल में होने वाला है। उससे पहले ही बच्चों के फेसेस पर जो स्माइल आती है, उनको जो एक अटायर पहनना होता है क्रिसमस डे का, उसका जो एक क्रेज़ है जो बच्चों के फेस पर, वो आप उसको अलग से बिल्कुल फील कर सकते हैं। और जिस दिन क्रिसमस आता है आई ऑल्सो कैन फील इट बिकॉज आई ऑल्सो हैव ए बेबी बॉय। उसको भी उठते हैं मम्मा आज जो है क्रिसमस डे है एंड आई हैव टू वेयर दिस वन अटायर एंड वी हैव टू एंजॉय लाइक दिस। ओके सो कम एंड लेट्स सी। यहाँ पे हमारे जो फूड कॉर्नर्स है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स है जो टीचर्स है उन्होंने क्या क्या प्रिपेयर किया है और वो किस रेट में उसको सेल कर रहे हैं। लेट्स सी। यस बेटा व्हाट आर यू सेलिंग हियर? पेस्ट्री एंड बर्गर्स आर हियर। ओके तो सारा सेल हो गया? नो मैम अभी चल रहा है। बिल्कुल आई आल्सो विल एंजॉय इट। ओके मैरी क्रिसमस टू ऑल। ओके पिंकी मैम इज हियर। यस मैम यू आल्सो एंजॉयिंग दिस वन फेयर। हाउ आर यू मींस फीलिंग अबाउट दिस? फैंटास्टिक यार इट्स टू कंप्लीटली एक्साइटिंग I just want to view every stall. Let's see. I want to enjoy a lot today. Okay, ma'am. Heavy food. You can see here. Kachori, samosa, and what is it? Mirchi bada and French fries. And then the pastries. Pastries, all the things are there. Okay, ma'am. मुझे आप बताएंगे कि आप इस फेयर को कैसे इंजॉय करें अपने स्टूडेंट्स के साथ? लिटरली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे बच्चों को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, ये उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहे थे कि हम कैसे कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे। अब मैं और कपिल सर मिलकर दोनों इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि सारे बच्चे हैप्पीली इसको इन्जॉय कर पा रहे हैं हमारे साथ। यस मैम ये बहुत ज़रूरी है कि जब छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको हम कोऑपरेट कर रहे हैं तो वो उस वर्क को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फेयर को जो है हमने देखा है कि लोकेशर जो है हमारे एकेडमिक हेड है वो भी इंजॉय कर रहे हैं, और इधर ही मैंने देखा है शायद अनिता मैम इज ऑल्सो हियर एंड स्वाति मैम इज ऑल्सो हियर, अनिता मैम इज प्रिंसिपल ऑफ आर स्कूल, वो भी इस फेयर को इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं चलो हम लोकेशर से पर बात करते हैं कि वो किस तरह से बच्चों के साथ में इस फेयर को इंजॉय कर रहे हैं। यू आर इंजॉयिंग द फेयर, और अभी अभी आपने जो गुटका खाया है मींस पानी पता से, हाउ इट वाज? मैम इट्स वेरी नाइस, और सबसे बड़ी बात है इट्स हाइजीनिक, और हाइजीन का कहीं ना कहीं स्कूल में कॉलेजेस में मैटर करता है। अपने यहाँ सारा सब कुछ हैंडमेड है, और बहुत अच्छी तरीके से बच्चों ने स्टाफ ने एसोसिएट होके और इतने अच्छे फेयर का ऑर्गेनाइज किया है। नाउ लंच टाइम इज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई ईच एंड एवरीवन इज द एंजॉयिंग। ओके सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि आप अपना जो स्पोर्ट्स मीट का जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बहुत अच्छे से चल रहा है, सभी जो स्पोर्ट टीचर्स हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ में, अपना बेस्ट देने की हर कोई कोशिश कर रहा है। सेकेंडली यहाँ पे क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन, थर्डली अपन यहाँ पे जो है स्टॉल्स का भी हमने अरेंजमेंट किया है, एंड फोर्थ वन थिंग कि यहाँ पर जो है प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं सर, इन सारी चीज़ों को एज एकेडमिक हेड आपने इन सब चीज़ों को कैसे अरेंज किया होगा? बिकॉज अगर मैं मेरी अकॉर्डिंग देखूं, मेरे ओपिनियन से देखूं, तो ये मुझे एक बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल लग रहा है सर, आपने इसको कैसे मैनेज किया होगा? आज का यही है कि कुछ भी अगर नहीं करने से बेटर है बच्चों का हॉलीडे डिक्लेयर कर दो, बट बच्चे सीखेंगे किन चीज़ों से? आज के टाइम में ये मान के चलो कि अगर बच्चों को कुछ इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया, आज वो सेलिंग करना सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सारे गट्स है इन फ्यूचर बच्चों के लिए बेनिफिशियल होंगे। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ तो अर्ली इन द मॉर्निंग हमने फर्स्ट सेशन में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया, और अभी बोर्ड क्लासेज है, दे आर इंजॉइंग हियर। और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अपनी चल रही है, उन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का हम लोगों का जो मोटिव ये है कि 27 से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उसकी रिहर्सल चल रही है, तो जिन ग्रुप का टर्न नहीं है वो ग्रुप यहाँ पे आके इन्जॉय कर रहे हैं, और इन्जॉयमेंट के साथ में वो बच्चे सीख भी रहे हैं कि हमें किस तरह से सेलिंग करनी है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक चीज़ें लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। हम सारा सब कुछ है क्लासेस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट नाउ दे आर गेटिंग द प्रैक्टिकल ऑफ द थिंग्स, सो दैट्स वाई वी आर अरेंजिंग द थिंग। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, विथ हेल्प ऑफ द टीचर एंड विथ हेल्प ऑफ द स्टूडेंट वी कैन अचीव एनी गोल्स एंड एनी हाइट्स। ओवरऑल नवजीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। यस सर, यस मैम। तो हमने इस फेयर को एंजॉय किया, यहाँ पर देखेंगे कि हर एक बच्चे के फेस पे स्माइल। जस्ट एक बार सरोज मैम आपसे और एक बात बात कर लेते हैं हम, जस्ट कम मैम आपकी स्टॉल जो है मैम ओवर हो चुकी है, इतना जल्दी मैम कैसे मैम? बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स एंजॉय द कपकेक्स वेरी नाइसली एंड दे हैव द टेस्ट ऑफ फ्लेवर वेयर इट वाज सुपर्ब, दैट्स व्हाई दे एंजॉय दिस एंड दे जस्ट परचेस एट द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज also. Yes. And it was just of just very means we have got a lot of profit also from yes, that. Yes, ma'am. Because taste ki ek jo hai tendency hoti hai ki and taste it was fresh and the flavor was too good and the teachers were also saying that the flavor was very fresh. It was not just like the spoiled food and it was very fresh. They just want so that cupcakes. They then you can say that everything was there mouth melt. Yes. Okay. Nicely we enjoyed this one fair. सभी हर एक बच्चे ने शायद इस फेयर को बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया है। मी ऑल्सो देख के लग रहा है कि आज पता भी नहीं चला कि कब स्कूल में एंटर हो रहे हैं और कब आज हम एग्जिट होने वाले हैं यहाँ से। हर एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। ओके, सो मैरी क्रिसमस टू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इन एडवांस। थैंक्स टू एवरी वन।